भदौरिया साहब, आप मानते हैं कि आज नेशनल प्राइड का दिन है या नहीं? आपको लगता है कि आज हर एक भारतवासी होने के तौर पर हम सब का सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सच है। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा है और देश के डॉक्टर्स पे भरोसा है। अगर देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक के कहते हैं कि वैक्सीन अच्छी है और देश में लगनी चाहिए तो जरूर लगनी चाहिए। लेकिन अगर क्यों लगा रहे हैं आप इसमें? अगर क्यों लगा रहे हैं, वो तो लगातार कह रहे हैं। कौन सा वैज्ञानिक है जो कह रहा है कि वैक्सीन मत लगवाओ? नहीं नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बोला ना, अगर देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक इसको अप्रूव करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे कैसे विश्वास किया जाए? इनका जो डिलीवरी करप्ट सिस्टम है या तो नहीं है, जिस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले में करते हैं, घोटाला भी बात कही जाती है, वो बात बिल्कुल कोरी, उसमें कोई बात नहीं रहती। आप इफ इन बट लगा देंगे तो सारी बात निरर्थक हो जाएगी। अगर है या तो है या नहीं है। आप अगर लगा रहे हैं, अगर वैज्ञानिकों ने, अरे वैज्ञानिकों ने बनाई है, वैज्ञानिकों ने, पैनल ने, एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दिया है, सिफारिश की है, DCGI जो कि दवाओं को और वैक्सीन को इस देश में अप्रूव करता है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसने अप्रूवल दिया है, तो इसमें आप इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं? तो सवाल ये है कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या ये वैक्सीन जो भारत बायोटेक वैक्सीन है, क्या देश के सभी मास को 16 तारीख से लगने जा रही है? देश के हर गरीब को लगेगी? मैं पूछना चाहता हूं। या आप साफ साफ बोलिए कि क्लिनिकल यूज के लिए हुआ, इमरजेंसी यूज के लिए अभी ये लगाई जा रही है, या हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को 16 तारीख से लगाई जा रही है, ये मुझे जवाब चाहिए। नहीं, अभी तक जो जानकारी है, कुमार कुंदन भी हमारे साथ हैं। कुमार, अभी तक तो इमरजेंसी अप्रूवल है ना, अभी इसके बारे में और डेटा शेयर किया जाएगा, जरा क्लियर कीजिए इसको। फिर हमारे साथ पवन सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं और LNJP के मेडिकल डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले कुमार, इसको क्लियर कीजिए जो अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं। देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात है कि हमारी देश की आबादी एक या दो नहीं, बहुत बड़ी आबादी है। 130 करोड़ जनता को एक साथ लगाना संभव भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार का जो सिस्टम है, एक बार 3 करोड़ लोगों को लगाया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कहीं भी एक साथ 3 करोड़ लोगों को लगाने का लक्ष्य सरकार ने नहीं हासिल किया है, और 3 नहीं बल्कि जून जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को जो है ये वैक्सीन लगाया जाएगा। तो अगर सरकारी सिस्टम के हिसाब से देखें, जिस सिस्टम में हिंदुस्तान अभी तक काम करता आया है, उसमें सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। इसलिए सरकार की इस कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए, खास करके तब जब महामारी के समय इस तरीके से सरकार ने कोशिश की है। हाँ। बजाय इसके कि ये सवाल करें कि एक दिन में ही सबको लग जाए, ये संभव ही नहीं है। इतने बड़े देश में जो सरकार ये भी नहीं कह रही कि इस राज्य में हमारी सरकार है तो यहाँ पहले लगाएंगे और इस राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है तो यहाँ बाद में लगाएंगे। एक पूरा खाका तैयार किया गया है और उस हिसाब से सारी वैक्सीनेशन की बात हो रही है। तो अनुराग भदौरिया, आपके दिमाग में शक क्यों पैदा हो रहा है? अगर ये आप कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीनेशन आपको सही लगता, या किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो सही लगता आपको? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था, कहता हम बिहार के सारे व्यक्तियों को, सारे लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन जीत गए, तो वैक्सीन लगवा दीजिए। 12-13 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आप उसके बारे में फिर क्यों आप चुप? ये सवाल तो पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखिए दो चीजें, या तो आप पॉलिटिकल वादे पर जाइए या वैक्सीन के सिस्टम पर आइए। बिहार में फ्री वैक्सीन का वादा किया था, बिल्कुल सही बात है, ये सवाल पूछना चाहिए। हेल्थ मंत्री जी कहते हैं, लेकिन इसमें वैक्सीन पर सवाल कहां से आ गया? लगाएंगे और शाम होते होते कहते नहीं नहीं अभी 3 करोड़ को लगेगा, 3 करोड़ लोगों को लगेगा, बाद को बाद में लगेगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो बार बार ये जो अपना बदलते रहते हैं, इनके आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, फिर मेरे साथ दो खास जानकार जुड़ रहे हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए ना, आप बोलने को नहीं तैयार है कि देश के गरीब मास्क हो जाएगा। हम कहते कौन कहता है? ठीक है, जवाब लेते हैं भदौरिया जी, 130 करोड़। अनुराग भदौरिया, बहुत अच्छी बात है, आज देश देख रहा है आप एक विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं। आप जरा जवाब सुनिए ना सरकार, आरपी सिंह साहब से जवाब सुनिए जी। मैं पहले भदौरिया साहब को स्पष्ट कर दूं, ये बार बार जानकर शरारत के रूप से कोवैक्सीन के बारे में पूछते हैं, वो थर्ड स्टेज के ट्रायल पर है, वो जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं होगा वो मासेस के लिए नहीं आएगी। वैक्सीन जो पहले राउंड पे है वो कोविशील्ड ही है, वो हेल्थ वर्कर्स को या जो और कोरोना वायरस है उनके लिए है। कोवैक्सीन जब उसके ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे, उसके जब रिजल्ट्स पब्लिक हो जाएंगे, उसका कोवैक्सीन भी लगेगी। इसलिए बार बार आप जानकर भ्रमित करने के लिए ऐसी बात मत करिए। दूसरी बात, जहां तक बिहार की बात है, बिहार की सरकार, बिहार के अंदर पार्टी ने कमिटमेंट की है, बिहार में सरकार है, वो बिहार के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएगी। इसी प्रकार तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम अपने यहाँ फ्री वैक्सीन लगाएंगे तो लगाएंगे। इसी प्रकार तेलंगाना की सरकार ने कहा कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे तो लगाएंगे। ये अपनी अपनी सरकारों के ऊपर है, वो लगाएंगे जहां जहां जिसने कहा है। हर्षवर्धन जी ने कहा था कि ये 3 करोड़ वैक्सीन है ये फ्री लगेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। फ्री नहीं फ्री ये तो सरकारों को तय करना है। अभी मुझे लगता है कि वैक्सीन ज्यादा जरूरी है, उसकी कीमत बाद की बात है। लेकिन डॉक्टर सुरेश कुमार, मुझे ये बताइए, क्या अब इस स्टेज में जब हम वैक्सीन की तारीख तक तय कर चुके हैं कि 16 तारीख से इस देश में वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो जाएगा, अभी भी अगर मगर की स्थिति है क्या? क्या इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को अभी भी अगर मगर करना चाहिए इस मुद्दे पर?
सबसे पहले तो मैं भारतीय वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना मेहनत करके और इतना अच्छा वैक्सीन बनाया है। इंडिया ग्लोबली वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर रहा है। हमने पोलियो में देखा है कि पोलियो में हमने सबसे बड़ा अभियान चलाया और सफलतापूर्वक रहा, पोलियो इरेडिकेट हुआ। इसी तरह से जो हमारा ये वैक्सीन आ रहा है, दोनों जो वैक्सीन है वो बहुत ही अच्छे हैं और इनकी जो टेस्टिंग है, फेज थ्री की जो ट्रायल है, हमारा जो टारगेट था 26,000 पेशेंट्स का, 23,000 से ज्यादा पेशेंट्स का ट्रायल पूरा हो चुका है और सेफ्टी और एफिकेसी दोनों ही इश्यू काफी डिटेल में डिस्कस हुए, उसके बाद ही इनको अप्रूवल दिया है। जो अप्रूवल मिला है वो इमरजेंसी अप्रूवल है और वो इसलिए कि क्योंकि कोरोना को देखते हुए कि जो संख्या है डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, पर अब तो इस पे ज्यादा इसकी जो एफिकेसी सेफ्टी है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक जानकार बताते हुए कि अब फिलहाल अब तो सवाल ना उठाएं इसकी एफिकेसी पर।